भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आपको आज टाइप ऑफ बीओक्यू के बारे में बताऊंगा। बीओक्यू कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं महाटेंडर्स के साइट पे गया हूँ। सेम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होता है। जितने भी टेंडर ई प्रोक्योरमेंट के पोर्टल हैं सभी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं डाउनलोड में जाता हूँ। डाउनलोड्स में अलग अलग और सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोकैड विजन नहीं है, पीडीएफ क्रिएटर, जावा और इनके ब्राउचर भी है और साथ में बीओक्यू का। तो बीओक्यू में मैं पहले जाता हूँ हर एक का, क्योंकि हम बीओक्यू का आज का टॉपिक लिए हैं, तो बीओक्यू के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो है बीओक्यू आइटम वाइज जीएसटी वाला, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये सब सैम्पल कॉपी है, इतने टाइप के बीओक्यू होते हैं उसको कैसे फिल करते हैं। ये आइटम रेट बीओक्यू है, साथ में यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग जीएसटी का, यहाँ पे नाम ऑफ द बिडर, जैसे मैं बोला तो मैं यहाँ पे भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पे आपके पास उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पे जो हर एक आइटम का अलग अलग बीओक्यू है, हर एक आइटम का। यहाँ पे जो है ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में 1:1:5 का रेशियो का है ये बीओक्यू। ये 1555 रुपीज इसका एस्टिमेट रेट है। ये सैंपल कॉपी है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये इसके एजोकेंट एस्टिमेट, ये रेट गलत है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से मुझे किस रेट में टेंडर भरना है, मैं मुझे वो रेट इनपुट डालना है। तो मुझे ये 47 रुपीज में मुझे ये टेंडर को कोट करना है। इसके बाद इसमें जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी कितना परसेंट है, इसका जीएसटी 18% के साथ मैं इसको ले रहा हूँ। तो जीएसटी अमाउंट हो गया 8.46 और 47 रुपीज मेरा बेसिक, तो मेरा टोटल एक्सक्लूसिव जो हो गया, मतलब विदाउट जीएसटी 47 रुपीज है और इंक्लूडिंग जीएसटी 55.46 रुपीज में मैं टेंडर को कोट कर रहा हूँ इस ऑनलाइन आइटम का। इसका क्या रेट है, ये 60 रुपये में जाएगा, इसके ऊपर भी 18% जीएसटी है। तो देखिए 2740 अमाउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर 248 है, ये 1 नंबर था, इसने उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसने मुझे यहाँ पे इनपुट डाल दिया। इसके बाद भी है, थर्ड आइटम का रेट है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 75 रुपीज। मुझे ये रेट कितने में कोट करना है, तो मैं इसको 75 में ही कोट करता हूँ। और इसका जीएसटी कितना है, तो इसका जीएसटी 12% में कैलकुलेट करता हूँ, इसके हिसाब से 975 हो गया। और ये मेरा टेंडर जो मैं एस्टिमेट कोट कर, इंक्लूडिंग जीएसटी जो मेरा आ रहा है, ये मैं जो टेंडर कोट कर रहा हूँ 3771 रुपीज में मैं कोट कर रहा हूँ। तो ये मेरा आइटम वाइज था बीओक्यू, जहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी का अलग से बॉक्स। उसके बाद आता है आइटम वाइज रेट, जो आइटम रेट के अकॉर्डिंगली है, उस टाइप में बीओक्यू में हम देखेंगे आइटम वाइज रेट के बीओक्यूज कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइटम रेट के हिसाब से हो गया, मेरे पास सेम ऊपर में नाम डालने को आया, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन। यहाँ पे हर एक अलाइन आइटम का हम लोगों ने देखा था पहला जीएसटी का बॉक्स अलग था, अब यहाँ पे जीएसटी नहीं, यहाँ पे आपका जो रेट आपको इनपुट डालना है, ये टेंडर में लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यदि इंक्लूडिंग जीएसटी होगा तो इंक्लूडिंग जीएसटी करके रेट डालना है, यदि एक्सक्लूडिंग होगा तो आपको एक्सक्लूडिंग करके जीएसटी का रेट डालना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेट मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक आइटम का रेट डालना है। यदि आपने एक भी आइटम का रेट नहीं डाला तो ये बीओक्यू मेरा अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे इंक्लूडिंग आपको यदि कोई टेंडर्स का आपको रेट नहीं डालना है, जैसे कि खासतौर पे ये टेंडर्स मेडिसिंस के आइटम्स में होते हैं। मेडिसिंस में क्या होता है कि हमको कोई आइटम नहीं सेल करना है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे उसका अमाउंट 00 डालते हैं। तो आप यहाँ पे 00 डाल सकते हैं, ये आइटम रेट है। तो हमको हर एक का, और ये वर्क का काम है, मतलब अपना सिविल वर्क है, यहाँ पे हमें हर एक आइटम को कोट करना ही है। ये कुछ कुछ एक्सक्लूडिंग केसेस होते हैं जहाँ पे हम कोई आइटम को सप्लाई नहीं करते, तो वहाँ पे हम यहाँ पे 0 भी अमाउंट डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 0 भी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो आपने को इसके अकॉर्डिंगली मेरा जो रेट कोट हुआ, ये 76,000 का मैंने रेट से कोट किया, इसको मैं सेव कर दूंगा, ये मेरा बीओक्यू सेव हो। यदि मैं यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं डालता हूँ तो मेरा ये बीओक्यू सेव नहीं होगा। देखिए अभी मैं एक आइटम निकाल दिया और इसको सेव कर, तो मुझे बोल रहा है सीरियल नंबर 2 में नहीं हो रहा है, मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 00 अमाउंट तो डालना ही पड़ेगा यदि आपका है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, 0 भी डाल के।
दूसरा यहाँ पे हम लेते हैं मल्टीपल करेंसी, कैसे मल्टीपल करेंसी का BOQ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टीपल करेंसी का BOQ कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया के भी बीडर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका BOQ किस टाइप का होता है, यहाँ पर भी हम यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डालेंगे और फिर यहाँ पे मेरे पास चूजिंग है जो मैं किस फॉर्मेट में अपना टेंडर को, किस करेंसी में अपना टेंडर को कोट करना चाहता हूँ। यदि मैं USD डॉलर में कोट करता हूँ तो मुझे USD डॉलर में कोट करना है, इसको 45 रुपीज़ USD डॉलर में कोट कर रहा हूँ। अलग अलग करेंसी के अकॉर्डिंगली जहाँ पे फॉरनर बीडर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐसा BOQ होता है। जनरली हमारे पास ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, जब आउट ऑफ इंडिया के बीडर आते हैं तो हमारे पास ऐसे हम BOQ को फिल करते हैं। इसके बाद आता है अपना पास मिक्स टेम्पलेट्स, यहाँ पे हर तरह का टेम्पलेट्स मिक्स है। तो देखिए ऐसा BOQ हम कैसे हम आप फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए मिक्स टेम्पलेट्स, हर एक आइटम का अलग अलग रेट है। अभी ये आप बोलेंगे अभी आइटम वाइज रेट और इसमें क्या डिफरेंस, इसमें डिफरेंस यही है कि हर एक आइटम का आपको रेट को कोट करना है। जैसे कि 35 है या 35 रुपीज का हमने ले लिया, ये 56 रुपीस ले लिया, 75 का मैंने 72 रुपीस ले लिया, ये रेट तो मैंने कोट कर दिया। अभी हम लोगों ने एक पहला टेम्पलेट देखा था जिसमें सिर्फ GST के रेट्स इंक्लूड थे, अभी यहाँ पे हमको अलग अलग रेट्स भी हम यहाँ पे डाल सकते। अभी एक्सरसाइज ड्यूटी है क्या कुछ, तो 2 रुपया मेरा एक्सरसाइज ड्यूटी है, GST कितना है, तो GST मेरा इसके ऊपर GST मेरा 6 रुपया GST है, अपना लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्जेस है वो कितना है, तो 7 रुपया है। एनी अदर टैक्सेस है क्या, नहीं, एनी अदर टैक्सेस मेरा नहीं है। अदर टैक्सेस है क्या, तो अदर टैक्सेस भी नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो इंस्पेक्शन का चार्जेस है क्या था, 1 रुपीज मेरा इंस्पेक्शन चार्जेस है, और क्रेडिट के लिए मुझे कुछ चार्जेस लेने पड़ रहे हैं, ये 2। ऐसे करके मैं यहाँ पे रेट इसको अलग अलग तरीके से मैं इसको कोट कर रहा हूँ। इस तरीके से मेरा जो विदाउट टैक्सेस मेरा अमाउंट था वो 35 था, पर मेरा इंक्लूडिंग टैक्सेस ये कितना हो गया 53। तो मैं जो टेंडर को कोट कर रहा हूँ 53 में कर रहा हूँ, 35 में नहीं। यहाँ पे मुझे अलग अलग आइटम्स के अलग अलग जो टैक्सेस है उसको अलग अलग तरीके से मुझे फिल करने का यहाँ पे ऑप्शन था, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स टेम्पलेट्स, जो अलग अलग मिक्स करके टेम्पलेट्स हम बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आइटम वाइज रेट टेम्पलेट 4 डेसिमल, जहाँ पे मुझे 4 डेसिमल तक का मुझे रेट्स मिलेंगे। 4 डेसिमल तक का मैं आइटम वाइज रेट में हम कोई भी जो टेंडर्स हम डालेंगे वो 4 डेसिमल तक रहेंगे। यहाँ पर भी मुझे नाम, जैसे हम लोगों ने बोला था कि आपको नाम डालना है, यहाँ पे आपको आगे देखिए यहाँ पे 4 डेसिमल थे, मतलब 1, 2, 3 और आगे का 1, 4, ऐसा 4 डेसिमल तक है। पहले जो थे सभी टेंडर 2 डेसिमल थे, तो आप इसके पे आइटम वाइज का है इसलिए हमारे एक आइटम का अलग अलग रेट कैलकुलेट करके डाल रहे हैं। तो देखिए हर एक आइटम्स का उसके हिसाब से, उसके बाद मेरा जो डेसिमल है वो 4 डेसिमल तक जा रहा है। यहाँ पर भी आइटम्स में मेरा उसके बाद भी जो 3 जीरोज मुझे पॉइंट के बाद 3 जीरोज मिले, तो ये मुझे ज़्यादा डेसिमल यदि मुझे ऐसा भी यूज़ करना है यहाँ पे ज़्यादा यूज पे करता। और उसके बाद आता है परसेंटेज, जो परसेंटेज रेट हमारा सबसे ज़्यादा फेमस होता है, मैं 100 में से 90% टेंडर में मुझे परसेंटेज रेट ही टेम्पलेट्स के मिलते। जैसे मैंने बोला आपको आइटम रेट्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने आइटम रेट के परसेंटेज रेट्स के टेम्पलेट डाउनलोड कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज रेट टेम्पलेट्स डालेंगे, यहाँ पे बीडर का नाम, जो बीडर का नाम है वो डाल देंगे, और यहाँ पे हर एक आइटम का रेट मेरा उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली मेरा कोई एस्टिमेट निकाला हुआ है। हर एक आइटम का रेट है उसके नीचे मेरे उसके जो रेट है एच वन टेंडर उसके हिसाब से मुझे रेट डाला हुआ, और उसके हिसाब से मेरा एस्टिमेट वैल्यू 86,8464 का आ गया। अभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज डालना है, तो सबसे पहला मैंने जैसे मैंने बोला पहले नाम ऑफ द बीडर, जो ये कलर में है वही कलर का मुझे सिर्फ इनपुट डालना है, वो मैंडेटरी है, वो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मुझे बिलो में जाना है या अबव में जाना है, जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, मुझे बिलो में या अबव में जाना है, तो मुझे बिलो में जाना है। कितना परसेंट बिलो में जाना है, यहाँ परसेंटेज बोल रहा हूँ, तो परसेंटेज में मुझे परसेंटेज वाइज ही बिलो जाना है, तो मुझे यहाँ पे 5% बिलो जाना है। 5% के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेता है 846 का, यदि आपने 5% डाला तो 804 बना। सेम यहाँ पे यदि मैं इसको अबव में डाला तो ये अबव के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट, यदि मैंने अबव जैसे यहाँ पे कर दिया 5% का तो 887, यदि मैं इसको 2% करता हूँ तो 2% के हिसाब से अबव का ही कैलकुलेट करना है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, मुझे इसको
वैलिडेट करके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जो मेरा वैलिडेट किया, सभी फील्ड मैंने भरे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए वैलिडेट का बटन है। यदि आप कोई भी आइटम नहीं भरते और वैलिडेट पे क्लिक करते तो वो आपको बताएगा कि आपने जो है सीट BOQ1 में आपने जो बिडर का नाम है वो आपने भरा नहीं, आपको ये भरना है, इसके वजह से वो वैलिडेट नहीं हो रहा है। जैसे वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिए और ये टेंडर में आप लोग। आपने देखा आज के वीडियो में जो टाइप ऑफ BOQ कितने होते हैं और वो किस तरीके से फिल करते हैं। हमारे ई टेंडरिंग के सबके ट्रेनिंग के क्लासेस भी है, साथ में गवर्नमेंट एस्टिमेशन की भी क्लासेस है। आप चाहो तो मेरे नीचे भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप सब कुछ इसके डिटेल्स देख सकते हैं और हमारे क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।